बैक टू माय टीम चैनल आई एम सुनैना। सो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। हम इसको दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के अंदर। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि एक्सेप्ट्स डाटा इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। मतलब डाटा कैसे एक्सेप्ट करता है, कंटिन्यूस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। और ये डाटा कैसे, मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो एक्सेप्ट करता है डाटा इन डिस्क्रीट फॉर्म। मतलब इसमें कंटिन्यूस फॉर्म क्या हो गई है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, डिस्टेंस, इधर से जो डाटा को एक्सेप्ट करता है। और ये किससे डाटा लेता है, एज हो गई, जैसे प्राइजेस हो गए और हो गए इनकम्स, एक्सेट्रा, ऐसी चीजों से क्या करता है, डाटा लेता है। सेकंड पॉइंट है हमारा मेजर्स एंड आंसर। मतलब पहले ही उस क्वांटिटी को मेजर करता है और फिर उसका रिजल्ट देता है, जैसे कि कितनी है, मतलब हाउ मच, कितनी। और इसके अंदर क्या करता है, फर्स्टली तो ये काउंट्स करता है, पहले उसको काउंट करता है, फिर उसको क्या देता है, रिजल्ट देता है। और ये बताता है कि हाउ मैनी, मतलब काउंट करते तो यही बताएगा हाउ मैनी कितने हैं, तो ये हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है इनका, रिप्रेजेंट्स डाटा एज फिजिकल एनालॉग्स, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज। और ये कैसे करता है कि रिप्रेजेंट कैसे करता है अपने डाटा को, रिप्रेजेंट डाटा एज नंबर्स, मतलब नंबर्स की फॉर्म में क्या कर देता है, अपना डाटा दिखाता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, स्पीड इज हाई। ये क्या दिखाता है, स्पीड इज लेस, मतलब इसकी स्पीड बहुत लेस है, कम है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, ये लेस एक्यूरेट। और ये क्या है, हाई एक्यूरेट। सिक्स्थ क्या है पॉइंट हमारे पास, ये होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस, और ये किसी जनरल पर्पस के लिए होता है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।